आपको बता देते हैं कि अब हम बात करते हैं प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट कोरबा की। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरोज पांडे और कांग्रेस के वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत के बीच सीधा मुकाबला है। जानकारी के अनुसार विधानसभा वार की जाने वाली काउंटिंग में सबसे कम राउंड की गिनती कोरबा सीट पर ही होगी। इस लोकसभा क्षेत्र में 142 राउंड में वोटों की गिनती का काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहले इस सीट के परिणाम आ जाएंगे। हालांकि सभी सीटों पर काउंटिंग पूरी होने के बाद ही नतीजे किए जाएंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं इस सीट के राजनीतिक समीकरण पर। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद हैं। यहां भी मतदान तीसरे चरण में संपन्न हुआ है। बता दें कि कोरबा छत्तीसगढ़ की उन दो सीटों में से एक है जहां पिछले यानी वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी कांग्रेस ने वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत को कोरबा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने भाजपा प्रत्याशी ज्योति नंद दुबे को 26,000 के अधिक वोटों से हरा दिया था। आइए सीधे चलते हैं कोरबा और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि किस तरह से चल रही है वहां पर मतगणना। विजय जी, संभावना है कि सबसे पहले कोरबा से नतीजे निकल करके आएंगे क्योंकि 142 राउंड की मतगणना यहां पर होगी। क्या कुछ माहौल अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं? कैसी है वहां पर की तैयारी और प्रत्याशियों पर कार्यकर्ताओं का जोश वहां पर कैसा अभी फिलहाल देख रहे हैं? कोरबा में जो आईटी कॉलेज है यहां पर मतगणना का काम चल रहा है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लगभग पूरी तैयारी कल शाम से ही कर ली गई थी। आज सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे वो आने चालू हो गए थे, जो यहाँ पे काउंटिंग के दौरान अंदर मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन की टीम लगभग यहाँ पर मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए गए हैं और लगभग सभी लोगों को एक हिदायत दे दी गई है कि अगर वो कोई भी उल्लंघन करते हैं तो उनको सीधा काउंटिंग क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक 8:10 हो गए हैं और पोस्टल बैलेट उसकी नियुक्ति यहाँ पर आईटी कॉलेज में चालू हो गई है। 8:30 बजे से ईवीएम बाहर आना चालू हो जाएंगे और ईवीएम से काउंटिंग लगातार चालू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरबा के जो 4 विधानसभा है इसमें जो सबसे ज्यादा राउंड जो होंगे पाली तानाकार अहम रोल अदा करते हैं इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के भाग्य के निर्धारण के लिए। पिछले बार भी अगर 2019 की बात की जाए पाली तानाखार से जो ज्योत्सना महंत कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको करीब 60,000 से अधिक का लीड इस पाली तानाखार क्षेत्र से मिला था। सेकेंड में रामपुर विधानसभा क्षेत्र था जहां को 27,000 से अधिक का लीड मिला था और ये दोनों लीड नहीं मिलकर ज्योतिनंद दुबे जो उस समय बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो जो पाली तानाखार है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर 22 राउंड की गिनती होगी और सबसे कम जो है कोरबा विधानसभा है यहाँ पर 18 राउंड की गिनती होगी। तो 8:30 बजे से जो ईवीएम मशीन से जो काउंटिंग की गणना चालू होगी उसके बाद आधे घंटे बाद ही 9:15 बजे से रुझान आने चालू हो जाएंगे कि कोरबा से आखिर आगे कौन जा रहा है। भाजपा की प्रत्याशी जो है डॉक्टर सरोज पांडे वो लीड ले रही है या फिर कांग्रेस से जो चरणदास महंत है वो लीड लेंगे। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपसे जानेंगे कि वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, ये आपसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल रवि भोई जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल की अगर माने तो एनडीए की हैट्रिक लग रही है और आपकी बातों से भी लग रहा है कि ये अहंकार नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वो और जरूर प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी की है। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर इसके पीछे रहा होगा? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है वो कई सोर्सेस से, जिस तरह से एक सैंपल सर्वे हो जाता है कि एक एरिया डिसाइड किया जाता है कि कितना लिया जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं वो एग्जैक्ट पोल से डिफर करते हैं। लेकिन एक संकेत मिल जाता है एग्जिट पोल से कि क्या होने वाला है, किस तरह से आएगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल में जो बात कही जाती है वो बात सामने नहीं आती। तो जब तक हम एग्जैक्ट पोल नहीं आ जाता तब तक एग्जिट पोल पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि कई उतार चढ़ाव होते हैं। अब जब एग्जिट पोल के सैंपल सर्वे लिया गया है या
जब लोगों से बात की गई होगी, दोपहर का किया गया, शाम को किया गया है, या ऐसे बूथ पे किया गया है जो एक पक्ष का रहा हो, तो कई चीज़ें हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि एग्जिट पोल में सभी आम तौर पर एक ही बात कर रहे हैं कि एनडीए को बढ़त बता रहे हैं, तो निश्चित तौर से ही लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जब तक एग्जिट पोल नहीं आ जाता तब तक उस पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एग्जिट पोल के बारे में ही आपसे बात करूंगी कि कांग्रेस कहाँ चूक गई। अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों को अगर मानते हैं कि वो एग्जिट पोल में तब्दील हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कहाँ चूक रह गई, कहाँ पर उससे भूल हो गई? देखिए अमृता जी, इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा जी। कांग्रेस संगठन के दृष्टिकोण से, या फिर हम कह सकते हैं कि रिसोर्स के दृष्टिकोण से, बीजेपी के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी में जिस तरह से उनके संगठन लेवल पर अनुशासन जो दिखाई देता है, आप देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि वो अपने प्रत्याशियों को जिस तरह से वो चेंज कर देते हैं, और वो चेंज किए हुए प्रत्याशी सफलता हासिल करके आते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी प्रशंसा होगी। तो यहाँ पर संगठन के दृष्टिकोण से, रिसोर्स के दृष्टिकोण से, या फिर यहाँ पर बीजेपी तो 365 दिन सक्रिय रहती, और यहाँ बीजेपी के संगठन के साथ कांग्रेस के संगठन का कोई तुलना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है इस चुनाव में? मैं ऐसा नहीं कह सकता। कांग्रेस राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करें, तो वहाँ से इंडियन जो नेशनल कांग्रेस रही है उनके उसको नहीं कह सकते। लेकिन इस समय मुझे लगता है कांग्रेस अपने 2019 और 2014 के परफॉर्मेंस में निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। रवि जी, पीएम मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा गया है, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के पास में पिछले चुनाव और उसके पिछले चुनाव की भी अगर बात करें तो तब से लेकर अभी तक 2004 से लेकर के आज 2024 तक कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो सामने रख कर के चुनाव लड़ सकते हैं? हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिलहाल दावा किया है कि वो तकरीबन 295 सीट इस बार लेकर के आएंगे, लेकिन क्या एक फेस जो होता है, जो सामने रखा जाता है, वो नहीं है पिछले 10 सालों में कांग्रेस के पास? देखिए अमृता जी, 2014 में जब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मोदी जी को चेहरा प्रोजेक्ट किया था, और उस समय मोदी के ये था कि एक हिंदुत्व छवि वाले हैं मोदी जी, तो इसलिए 14 में उनके नाम पर, फिर 14 में सत्ता में आ गए, और 19 में वो प्रधानमंत्री रहते हुए और 24 में प्रधानमंत्री रहते हुए तो एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस में कभी भी चेहरा नहीं रहा है। इसके पहले इंदिरा गांधी के समय हो रहा है, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, या राजीव गांधी के समय उस समय था कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे, लेकिन उसके बाद जब आया तब ये नहीं था। जब राजीव गांधी की डेथ हुई उस समय प्रधानमंत्री कोई चेहरा नहीं था, और काफ़ी उठापटक के बाद पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जब बात आई फिर सोनिया गांधी को, तो सारे जो सहयोगी दलों ने उनका विरोध कर दिया, उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रोजेक्ट किया। ट्रेंड जो है बदल गया, और 2014 और 2019 और 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये था, 14 में हो सकता है एक संभावना व्यक्त की जा रही है सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 19 में ऐसा नहीं था, और 24 में तो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इसमें तो सवाल ही नहीं होता किसी को चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए या किस तरह किसी को आगे रख के, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है किसी में नहीं है। और कांग्रेस 2024 में पूरे 543 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है, कई समझौता सीटें, इसलिए ये सवाल नहीं होता कि कांग्रेस किसी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करे और चुनाव लड़े, क्योंकि जब तक इंडिया गठबंधन नहीं होगा तो एक संयुक्त प्रत्याशी तय किया जाएगा और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, सभी दलों में सहमति बनेगी तभी होगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे एक पार्टनर है न कि मेजर पार्टी जी। इसलिए किसी को चेहरा के रूप में रखना और उसको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे वापस हम रवि भोई जी के साथ अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन